श्रोताओं नमस्कार। आज के पॉडकास्ट में हम मिलवाएंगे श्री अभय तिवारी जी से। सुमधुर गीतकार हैं अभय तिवारी जी और ये इनके डीएनए में कविता है। ये सूचना देकर मैं बहुत रोमांचित हो रहा हूँ। आदरणीय गोविंद प्रसाद जी तिवारी के पुत्र आदरणीय श्री अभय तिवारी जी को सादर प्रणाम करता हूँ। दादाजी को पुण्य स्मरण करते हुए अभय जी सादर प्रणाम। नमस्कार। दिमाग में एक प्रश्न चल रहा है कि महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में जबलपुर ने एक ऐसा गीत लिखा, जबलपुर ने कहे आदरणीय सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने, लेकिन जो मुझे जानकारी है एक खंड काव्य लिखा गया था आदरणीय पापा जी यानी गोविंद प्रसाद जी तिवारी की ओर से। इसके संदर्भ में आप कुछ बताइए सर। ये सही है कि वीरांगना दुर्गावती के संदर्भ में पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कविवर पंडित गोविंद प्रसाद तिवारी ने खंड काव्य लिखा है, मगर उस खंड काव्य के संदर्भ में बोलने से पहले मैं उनका परिचय देना आवश्यक समझता हूँ। स्वागत है। गिरीश जी, आपने मेरे साथ काम भी किया है और आपका मेरा एक लंबा परिचय, लंबा संबंध है जी। और मैं ये भी जानता हूँ कि नगर के साहित्यकारों में भी आप अग्रणी हैं, तो इसलिए तो आपका आशीर्वाद है जी। इसलिए कोई बात नहीं। तो असल में क्योंकि होता क्या है कि जो काव्य होता है, काव्य में काव्यकार का व्यक्तित्व भी झांकता है, उसकी जो भावनाएं जो है वो भावनाएं भी उसमें प्रतिध्वनित होती हैं। और इसलिए जब हम किसी खंड काव्य वगैरह या महाकाव्य वगैरह को देख रहे होते हैं तो ये भी देखना आवश्यक होता है कि जिस व्यक्ति ने या जिस व्यक्तित्व ने इनका सृजन किया है उसके जीवन की धारा क्या रही। जी हाँ। तो जहां तक पिताजी का संदर्भ है तो 15 वर्ष की उम्र में सबसे पहले वे स्वतंत्रता संग्राम में उनने भाग लिया था। बहुत कम उम्र थी जी, यानी 1929 में जी, जब उनका जन्म 1914 का था और 1929-30 में उनने पहला आंदोलन किया था जिसमें कम उम्र के कारण केवल बेत मार के उनको छोड़ दिया गया था, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया था। जी जी। तो यानी स्वतंत्रता संग्राम में वो उस उम्र में कूदे थे। और अभी आपने सुभद्रा कुमारी चौहान जी की चर्चा की, सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ मिलके 1942 में 9 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक संस्कारधानी जबलपुर में जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चला है जी, उसका नेतृत्व पिताजी ने किया था जी। और उनके नेतृत्व में ही सुभद्रा जी गिरफ्तार हुई थी। अच्छा। 12 बजे भी गिरफ्तार हुई थी और फिर रात को 2 बजे पिताजी भी गिरफ्तार हुए थे, जहाँ पे 1.5 वर्ष वो कारावास में रहे। तो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वो थे। उनका काव्य जगत जो है वो छायावाद से शुरू होकर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद से होकर नई कविता और अकविता के आंदोलन तक चला है। और रामेश्वर गुरु ने उनके लिए एक जगह लिखा है कि गोविंद गुरु युग के सहचर हैं, यानी कविता में जो युग आते चले हैं उन युगों के साथ साथ उनकी कविता के स्वरूप भी निखरते बदलते गए हैं, निखरते जी। सबके उदाहरण, इन सारे आंदोलनों के और परिवर्तनों के उदाहरण उनके काव्य में मिलते हैं। अब आती है बात दुर्गावती की, तो 1975 में, 74 में हमारे ख्याल से, थोड़ा सा एक सन का कंफ्यूजन है, तो 1974 में जब भंवरताल गार्डन में रानी दुर्गावती की प्रतिमा स्थापित की गई नगर निगम द्वारा, तो उस समय महादेवी वर्मा यहाँ आई हुई थी। महादेवी वर्मा ने मंच से एक सेंटेंस बोला, एक वाक्य कहा के दुर्गावती जो है लक्ष्मीबाई की पूर्वजा थी। अरे क्या बात है।
अगर अपन वीरांगनाओं का इतिहास देखें तो लक्ष्मीबाई 18वीं शताब्दी में थी, जबकि दुर्गावती 3वीं शताब्दी में जी। तो इसलिए दुर्गावती लक्ष्मीबाई की पूर्वजा थी और उनके इस वाक्य से प्रेरित होकर पिताजी ने दुर्गावती पे काम प्रारंभ किया। अब जब काम प्रारंभ किया तो बहुत सी चीजें सामने आई, बहुत से प्रश्न चिन्ह सामने आए। पहला प्रश्न चिन्ह था कि दुर्गावती कालिंजर की बेटी है कि महुबा की। कुछ लोग कहते थे कि महुबा की राजकुमारी थी, कुछ लोग कहते थे कालिंजर की राजकुमारी थी। एक तथ्य ये था। दूसरा तथ्य ये था कि दुर्गावती के विषय में जो कुछ भी चर्चाएं और साहित्य मिलता था उसमें अधिकांशता ये था कि दुर्गावती बहुत सुंदर थी, अकबर से उनका वैमनस्य चला। संकेतों में कहीं करीला भेजना, पूजन वगैरह के इस तरीके के कुछ उदाहरण चलते हैं कि ये इस तरह से जवाब सवाल हुए और फिर उन्हें हमला किया गया और दुर्गावती शहीद हुई। कुल मिला के इतनी चर्चा प्रमुख रूप से होती है, जबकि दुर्गावती का राज्य 16 वर्ष रहा है। 16 वर्ष था जी। दुर्गावती जी, दुर्गावती ने गोंडवाने पर 16 वर्ष राज्य किया है और उस समय गोंडवाने का क्षेत्रफल पूरे मध्य प्रदेश के बराबर था। दक्षिण में नागपुर और चांदा गोंडवाने में आते थे। हाँ हाँ। और उत्तर तो ग्वालियर वगैरह कुछ हिस्से जो थे वो गोंडवाने के बाहर थे। जी जी। मगर लगभग मध्य प्रदेश के बराबर। तो उस समय इतने बड़े राज्य पे 16 वर्ष तक शासन करना कोई आसान बात तो नहीं थी। जी फिर उसके बाद और उस 16 वर्षों में उनने क्या किया, तो 16 वर्षों में उनने कई युद्ध लड़े हैं। बाद बहादुर से उनका युद्ध हुआ है और एक दो युद्ध हुए हैं और उन युद्धों में दुर्गावती सैनिक के रूप में मैदान में उतरी हैं और उनने विजय प्राप्त की। तो उनकी उन बेटियों और उन युद्धों पर चर्चा गिनी चुनी होती है। इतिहास की पुस्तकों तक सीमित, कुछ पुस्तकों तक सीमित, सारी पुस्तकों में वो भी नहीं मिलती। कुछ पुस्तकों में उन युद्धों का वर्णन मिलता है। फिर इसके बाद 16 वर्ष तक राज्यकाज के अंतर्गत प्रजा के लिए उनने क्या किया, वो भी एक महत्वपूर्ण तथ्य था। अगर संस्कारधानी में ही देखें तो संस्कारधानी में 52 तालाबों का निर्माण करवाने वाली दुर्गावती थी। जी हाँ। और पानी जो है, पानी प्रमुख रूप से किसी भी बस्ती, किसी भी आबादी, संस्कृति सभ्यता के लिए। जी जी। फिर इसके बाद दुर्गावती के सेना में मुगल भी थे। हाँ, मुस्लिम। दुर्गावती की सेना में मुगल भी थे मगर प्रमुख रूप से गोंड थे। तो गोंड भी थे और मुगल भी थे। दुर्गावती ने तोपें भी बनवाई थी। तो ये सारे के सारे ऐतिहासिक तथ्य थे। और फिर उन्होंने इतिहास का अध्ययन किया और अध्ययन करके जो तर्क संगत थे, जिनमें कुछ तथ्यात्मक था, उन बिंदुओं को जोड़ा। तो एक तरह से उनने दुर्गावती के जन्म से लेके दुर्गावती के बलिदान तक के जीवन की जीवन यात्रा को प्रामाणिक रूप से अध्ययन करके प्रस्तुत किया और वो पद्य के रूप में। बहुत अच्छा। तो ये उस खंड काव्य का एक दूसरा पक्ष है। अब जी, जी। उस खंड काव्य के काव्य सौंदर्य की बात, ये तो ऐतिहासिक बात हो गई, उसके कथानक की बात हो गई। अब उसके काव्य सौंदर्य पर थोड़ी सी चर्चा करें अपन। तो अगर काव्य सौंदर्य, और इस खंड काव्य को लिखने में उन्हें 74 से शुरू किया था, 1979 में वो पूरा हुआ है। यानी लगभग 5 वर्ष तक का समय उन्हें लगा और 5 वर्ष में यह खंड काव्य पूरा हुआ और 1979 में फिर यह प्रकाशित हुआ। 2010 में हमने उसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया। मगर उसके काव्य का सौंदर्य के विषय में हम बात करना चाहते थे कि इसमें विभिन्न अलंकार, शब्दगुण और शब्द शक्तियों का बहुत सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। शब्द गुण शब्द का आपने इस्तेमाल किया यहाँ। शब्द गुण क्या है? शब्द गुण ओज, माधुर्य, प्रसाद। अच्छा, और मतलब शब्द कितना प्रभावकारी हो। ओज, माधुर्य, प्रसाद तीन शब्द गुण होते हैं।
तीनों के तीनों के दर्शन आपको उसमें होंगे और बड़ी सटीक तरीके से इनका उपयोग है। इसी तरीके से शब्द शक्तियां अभिधा लक्षणा व्यंजना इनका भी प्रयोग मिलता है। इसके बाद अलंकारों की बात आती है, तो अलंकार की बात आती है तो सामान्यतः किसी एक छंद में एक अलंकार देखने को मिलता है, मगर इसमें बहुत से छंद ऐसे हैं जिसमें दो दो और तीन तीन अलंकारों का एक साथ स्वरूप देखने को मिलता है, जिसमें श्रृंगार बीस दस। अब देखना श्रृंगार ये कैसे संभव है, वो हम श्रृंगार और बीस जी हाँ श्रृंगार दस बीस दस। अब इस पद को देखो आप, दलपति वाक सुन वह ओजस्वी वाणी, कमनीय कलेवर में हलचल तूफानी, हरिणी आबदार अखियन में उन्होंने देखा रण का करवाली पानी। क्या बात, एक वीर्य से ये करवाली पानी और हलचल तूफानी, और दूसरी ओर हरिणी सी बड़ी आबदार अखियां कमनी कलेवर, ये श्रृंगार रस के रूपक है। इसी तरीके से एक और उदाहरण देखो, सोलह सावन पर पार उमंग भरी थी, मन में उगी हर साध की निपट हरी थी, पर दूर चले घन गर्जन सुन मंजिल पर मानस तूफानों को बांधे ठहरी थी। क्या बात है, वाह। अब ये दोनों पद जो है, एक और वीरस के भी उदाहरण है और दूसरे और श्रृंगार रस के भी उदाहरण है। अद्भुत अद्भुत काव्य, अद्भुत। अगर के मानस मर्मज ने डॉक्टर रामदयाल कोस्टा थे जी, हमारे हिंदी प्रोफेसर थे, कोस्टा जी जो है परम विद्वान थे, मानस मर्मज थे जी, तो उन्होंने दुर्गावती की समीक्षा लिखी, तो समीक्षा में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बात कही जिसको मैं सामने रखे हुए हूँ, कि तिवारी जी शब्द धर्म के महान ज्ञाता थे, शब्दों के माध्यम से जहाँ वे बिंब उपस्थित करने में समर्थ थे, वहाँ शब्द के ध्वनियों का सामंजस्य करने में भी वे बड़े सिद्ध हस्त थे। शब्द के साथ ध्वनियों का सामंजस्य, अब जो उसका उदाहरण उन्होंने दिया कि गूंजी रणबेरी ढोल धमा धम धम धम, वे पिटे नगाड़े डम्मक डम्मक डम डम, रणवाद्यों को बुनियादों को गति देते वे बड़े धमाम धम्मक धम्मक धम धम। तो विभिन्न वाद्यों से निकलने वाली ध्वनियों को उपयोग करके छंद का निर्माण हुआ है, निर्माण। इसी तरीके से दुर्गावती का जो युद्ध हो रहा था आसपास से, उस युद्ध में एक बघराज करके सेनापति था, सेनानी था दुर्गावती की सेना में, उसके युद्ध का वर्णन है, तो है क्रुद्ध बाघ सा बघराज सेनानी, कि वह क्रुद्ध क्रुद्ध बाघ सा बघराज सेनानी, दुर्दांत दुधारे पर युद्धों का पानी, ऐसे मुझे जो फसलें काट रहा हो, राहों की बीहड़ झाड़ी छांट रहा हो। अद्भुत, युद्ध के वर्णन भी मिलते हैं, श्रृंगार के वर्णन भी मिलते हैं, वीर रस के नौ रस पूरे उसमें आपको मिलेंगे उस खंड काव्य में। इसी तरह उस समय मुगल सम्राटों की जो प्रवृत्तियां थी, उन प्रवृत्तियों में नारी के साथ जो उनका बर्ताव था जी, उसमें उसका उल्लेख भी उन्होंने किया है, और वो कि सुल्तानी युग नारी को भोग्य माने, सुल्तानी युग सुल्तानी नारी को भोग्य माने, शाही रस्मों में जो मदिरा की प्याली, कामुक पीते बस मत वासना आसव, रीति भट कहकर निष्कासित पथ डाली, कि जिस तरह से सोचने से उसको फेंक दिया जाता था उसका वर्णन किया। तो कुल मिला के दुर्गावती जो है, दुर्गावती खंडकाव्य, वो दुर्गावती खंडकाव्य एक बड़े कठोर परिश्रम से अध्ययन और चिंतन मनन के साथ उनने लिखा, और उसमें न केवल दुर्गावती का जीवन उसमें है,
वरन उनके स्वयं के जीवन की साधना भी उस खंड काव्य में है। और इन दोनों को मिलके वो निश्चित रूप से बहुत सुंदर हुआ। और यही कारण है कि आज 1979 से 2024 जी हाँ 45 साल बाद भी हम उसकी चर्चा कर रहे हैं और आज भी उसकी चर्चा होती है। अपने यहाँ अरुण पांडे ने उस पर पूरा एक नाटक तैयार किया जिसमें वो के माध्यम से जिसमें करीब 100 से अधिक कलाकारों ने भाग लिया कलाकारों का जी हाँ। और वो उसका प्रदर्शन जबलपुर में और प्रदेश और देश के अलग अलग नगरों में किया गया जी हाँ। तो आज आज के जो दिन है, आज का जो दिन है वो वीरांगना के प्रति कृतज्ञता करने का दिन, व्यक्त करने का दिन है। और वीरांगना को हम कृतज्ञता तो व्यक्त करते हैं, लेकिन हम कृतज्ञ उनके भी हैं जिनने वीरांगना को शब्द के रूप में आरेखित किया है, उल्लेखित किया है। लेकिन एक बात मुझे हमेशा खटकती है कि इतना प्रभावशाली ग्रंथ है, खंडकाव्य है दादाजी का, आदरणीय गोविंद प्रसाद जी तिवारी जी का, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसे अपने पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया है और ना ही इसको एक हमारे किसी पाठ्यक्रम में, चाहे वो स्कूली शिक्षा का हो। आपका इस पर क्या अभिमत है? देखो भाई, हमारी शिक्षा जिससे हमारे जो राजनेता हैं जी और हमारे जो जो पाठ्यक्रम निर्धारक और बाकी जो हैं, ये मैं लगातार महसूस हो रहा है। अरे भाई, प्राथमिक कक्षाओं के हमने जो प्राइमरी क्लास में रसखान और गिरधर की कुंडलियां वगैरह पढ़ी थी, आज वो नहीं दिखती है। जबकि वो कुंडलियां क्या है, नैतिक शिक्षा देती है। तो नैतिक शिक्षा देने वाले वे कविताएं अलग हो गई है। पंचवटी पढ़ते थे हम लोग, वो सारी की सारी पाठ्यक्रम से अलग कर दी गई। उसकी जगह पे आप प्रगतिशील रचना को स्थान दे रहे हैं। प्रगतिशील रचना जो है, निश्चित रूप प्रगतिशील रचना बुरी नहीं है, नहीं है, ठीक है, आपको ध्यान रखना। प्रगतिशील रचना जो है, मगर वो प्रगतिशील रचना एक मानसिक स्तर के बाद की चीज है, ठीक है। एक मानसिक स्तर के बाद उस समझ में आने वाली चीज है। मैं स्वतः शिक्षक रहा हूँ, कविताएं लिखता हूँ, साहित्य पढ़ता हूँ, मगर कई बार जब 11th 12th क्लास में पढ़ाते हुए ये प्रगतिशील की कविताएं आती थी तो उनको छात्रों को समझाने में कठिनाई होती थी। ये इनको छात्रों नहीं तो ये मैं तो ये मानता हूँ जब हमने संविधान को छंदबद्ध होते देखा और मैंने बहुत करीब से उस चीज को परखा, कहीं मात्रा दोष नहीं, कहीं अर्थ दोष नहीं और सार्थक ग्रंथ लिखा हुआ है, तो हमें नव गीत की जरूरत हो सकती है लेकिन नई कविता और उन्मुक्त कविता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कई बार कुंठा व्यक्त करने का भी एक संसाधन हो सकता है। और शब्दों का संयोजन मात्र कविता नहीं है। आपने शब्द के प्रभाव के बारे में चर्चा की, आपने अभी बताया शब्द के गुण जो हैं उस पर चर्चा की, और शब्दों का उपयुक्त सिंक्रोनाइजेशन अंग्रेजी में जिसको कहेंगे वो होना चाहिए, वो हमारी छंदों में उपलब्ध होता है। है क्या नवगीत और नई कविता जो है ना जी, इसमें बिंब और प्रतिमान जो है, इन नए नए बिंबों नए नए प्रतिमानों का उपयोग होता है। वो भी गहन अर्थ और गहन चिंतन के माध्यम से ही आप उस कविता को पूरी तरह से ग्रहण कर सकते हैं। मगर सवाल ये है कि वो कविता उस समय पढ़ाई जानी चाहिए जब व्यक्ति मानसिक रूप से बच्चे का लेवल ऊपर हो जाए, जी स्तर पर पहुंच जाए। हम उसको उस स्तर पर जब वो उसको ग्रहण करने योग्य नहीं है, उसको घोट घोट के अगर पिलाएंगे
तो उसमें लाभ तो कुछ होना नहीं है। तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि यदि यदपि कही गुरु बारंबारा समझ परी मति अनुसारा। जी अभी आपने सुना टेलीफोनिक पॉडकास्ट श्री अभय तिवारी से रानी दुर्गावती खंडकाव्य, जिसकी रचना श्री तिवारी जी के पिता स्वर्गीय श्री गोविंद प्रसाद तिवारी ने की थी। खंडकाव्य कविता के साथ साथ वीरांगना रानी दुर्गावती के जीवन का इतिहास है। इस पॉडकास्ट में आप जान चुके होंगे कि रानी दुर्गावती के बलिदान